बॉलीवुड के कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिनकी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। कोई दोनों हाथों से लिख सकता है, तो किसी ने लॉयर की पढ़ाई के लिए एडमिशन तक ले लिया था, तो कोई स्टार एक्टिंग के बजाय वॉइस डबिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि ये स्टार्स बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने लग गए। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। जी हाँ, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग अपनी पहली सैलरी अपने पेरेंट्स को देना पसंद करते हैं, या फिर कुछ लोग अपने फैमिली के सदस्यों के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। वहीं कुछ लोग अपनी पहली सैलरी को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने में भी खर्च कर लेते हैं। इन सब के बीच शाहरुख खान का मामला काफी अलग है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि शाहरुख अपने पहली सैलरी से आगरा का ताजमहल देखने गए थे, और उनकी पहली सैलरी मात्र 50 रुपए थी। ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। उनके फैंस के पास उनसे जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ऋतिक के फैंस को उनकी अगली फिल्म के बारे में भी पता रहता है। उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में भी सब कुछ मालूम है, और हम आपको उनसे रिलेटेड हर एक अपडेट देते भी रहते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी से डाइवोर्स के बारे में भी पता होगा ही, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि ऋतिक को बचपन से बोलने में काफी दिक्कत थी। वो शब्दों को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, लेकिन ऋतिक ने आगे चलकर इस पर बहुत मेहनत की और अपने बोलने की कमियों को दूर कर लिया, और आज वो बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में से एक है। सलमान खान का अपना एक अलग ही स्वैग है। सलमान ने अपनी फिल्मों के अलावा अपने इस अंदाज के चलते भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सलमान से जुड़ा एक दिलचस्प बात यह है कि वो कभी भी किसी नैपकिन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो अपने साथ हमेशा मखमल की एक रुमाल रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे यूज करते हैं। करीना कपूर खान से जुड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने यंग टाइम में एक्ट्रेस नहीं बल्कि वकील बनना चाहती थी, जिसके लिए करीना ने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। हालांकि कुछ वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाई। इस तरह से आगे चलकर उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने और हीरोइन बनने का फैसला किया था। रणबीर के बारे में आप ये जानकर हैरान हो सकते हैं कि उनके स्कूल और कॉलेज के टाइम में उनके पेरेंट्स उन्हें हर हफ्ते 1500 रुपए पॉकेट खर्चा देते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इन पैसों को आज भी संभाल के रखा हुआ है। अमिताभ बच्चन से जुड़ा फैक्ट शायद ये आप जानते होंगे कि अमिताभ बच्चन दोनों हाथों से लिख सकते हैं। जी हाँ, अमिताभ एक बेहतरीन एक्टर सिंगर ही नहीं बल्कि उन्हें दोनों हाथों से लिखने की कला भी बड़े अच्छे से आती है। ऐश्वर्या से जुड़ी रोचक जानकारी ये है कि उन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने से पहले टीवी शोज में डबिंग आर्टिस्ट के रूप में काम करने में अपना भाग्य आजमाया था, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। इसी तरह से विश्व सुंदरी का खिताब जीतने से पहले उनके एक्टिंग की दुनिया में आने का कोई इरादा नहीं था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।